बिलासपुर शहर के साथ लगते चंगर क्षेत्र की सड़कों पर बेखौफ घूमते तेंदुओं की दो अलग अलग वीडियो सामने आई हैं, जिसमें एक वीडियो में तेंदुआ घात लगाए अपने शिकार के लिए बैठा है तो दूसरे वीडियो में किसी दीवार पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। जी हां, ये वीडियो बिलासपुर शहर से महज कुछ दूरी पर DAV पब्लिक स्कूल पर ऑयल गांव का है, जहाँ से गुजरते हुए कुछ ग्रामीणों की नजर तेंदुए पर गई तो उन्होंने उसकी वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर ली। वहीं कुछ दिनों से ऑयल गांव सहित चंगर क्षेत्र के कई इलाकों में सड़क के किनारे घात लगाए बैठे तेंदुए के देखे जाने से ग्रामीणों में न केवल दहशत का माहौल है, बल्कि अंधेरा होते ही गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। वहीं तेंदुए की दहशत से खौफजदा ग्रामीणों ने बिलासपुर के DFO सरोज भाई पटेल को एक ज्ञापन सौंपकर जल्द ही पिंजरा लगाकर इस तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, ताकि तेंदुए के किसी इंसान पर हमला करने और कोई अनहोनी घटना होने से पहले इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। वहीं DFO सरोज भाई पटेल ने स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करने और विभाग के पास तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा सहित ट्रैकुलाइजर गन जैसी सुविधा होने की बात कही है, ताकि इसमें आने पर विभाग की टीम द्वारा तेंदुओं को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। जिस प्रकार का DFO साहब का रिएक्शन है इस बारे में, जब हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा जब कोई ऐसी कोई घटना होगी तब हम एक्शन लेंगे। अभी तक वो बाघ तेंदुए का वो बच्चा है, वो शिकार करना सीख रहा है। इसका मतलब सीधा हुआ कि जो तेंदुआ जो है वो किसी गांववासी को शिकार बनाएगा पहले, फिर वो भी वन विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। तो मैं इस जवाब से उनके संतुष्ट नहीं हूँ। अगर आइंदा हमारे गांववासियों को, बच्चों को और मवेशियों को, उनको पशुओं को कोई भी नुकसान पहुँचता है, उसके लिए सीधा सीधा तौर पर वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ऐसी सूचनाएँ कुछ मिली हैं कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, कुछ लोगों ने मुझे वीडियोज़ भी दिखाए हैं। तो देखने पर ऐसा लगता है कि जी हाँ, इस एरिया में तेंदुआ है। पहले एक किसी और ने वीडियो दिखाया था, उसमें क्लियर नहीं था, तो मुझे लग रहा था शायद तेंदुआ भी है, क्योंकि वो उनको शक लग रहा था कि उस पर स्पॉट नहीं हो के धारी है। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि जंगली बिल्ली भी हो। पर आपके वीडियो और मतलब कुछ लोग मुझे और वीडियो दिखाए तो मुझे लगता है कि वो तेंदुआ ही है, जो मतलब यंग तेंदुआ है अभी, और वो इस एरिया में देखा गया है जैसे लोगों ने लोग बता रहे हैं। तो इस मामले को हमने बड़ा गंभीरता से लिया हुआ है और अपने RO को मैंने इस पे सचेत किया हुआ है, उनको अलर्ट किया हुआ है कि अपने फील्ड में जो हमारे गार्ड और BO हैं प्लस जो वर्कर हैं उनको थोड़ा अलर्ट करें, इस एरिया में थोड़ा पेट्रोलिंग रखें और जिन्होंने जहाँ जहाँ देखा गया है उस एरिया का गश्त करें, थोड़ा सा देखें, वहाँ से सबूत इकट्ठा करें कि एक्चुअली ये है क्या। तो जैसे ही इस पे और हमारे पास डिटेल आता है तो हम इस पे एक्शन जो अगर बनता है, फिलहाल तो अभी देखा गया है इस तरह से कोई यहाँ पे इस एरिया में कोई डैमेज भी रिपोर्ट नहीं हुई है मुझे कि हाँ जी ऐसा नुकसान हो गया, इसने बकरी या कुत्ते उठाए हैं, इस तरह का कोई कैटल लिफ्टिंग का केस हुआ, इस तरह का कोई नुकसान का भी खबर नहीं आया। हाँ, लोगों ने देखा है तो देखने से थोड़ा सा लोगों में भय के माहौल जो क्रिएट हुआ है, तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि चूँकि हमारे इस आबादी वाले एरिया के साथ साथ जंगल वाला एरिया भी लगता है, तो जंगल है तो जंगल में जंगली जानवर होना स्वाभाविक है। तो कभी काल जंगली जानवर हमारे एरिया में और कभी हम उनके एरिया में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम अपने नज़र बनाए रखें, हमारे पास तैयारियाँ भी हैं, हमारे पास यहाँ पर कैप्चरिंग केज है, हमारे पास ट्रैंकुलाइजिंग गन है। तो कल को अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हाँ जी हाँ मुझे लगता है कि जी इससे खतरा बढ़ सकता है, तो विभाग उचित कदम उचित समय पर उठाने के लिए तैयार है। फिलहाल अभी हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं और इस तरह की अभी कोई सूचना या इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं बना हुआ है। तो लोगों से मैं अपील करूंगा कि उसको डिस्टर्ब ना करें, वो अपने रास्ते से हो सकता है शिकार करने निकलता है शाम में तो दिख जाते होंगे लोगों को, नया तेंदुआ है, यंग तेंदुआ है।